और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, टलने का नहीं, खास सदियों चलता रहूं। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए। फिर उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने उस चट्टान के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उस मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत खास से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज्र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज्र ने कहा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो दोनों चल पड़े। यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दी? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज्र ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआवजा ना कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले। यहां तक कि रस्ते में एक लड़का मिला तो खिज्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिज्र ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले। यहां तक के गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी जियाफत करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी तो खिज्र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज्र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलाहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकिजगी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकाले। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।